Hey guys, welcome back और एक नए वीडियो में। दोस्तों अगर आपके पास एक Realme या फिर एक Oppo का डिवाइस है तो आपका डिवाइस में एक प्रॉब्लम जरूर देखने को मिला होगा, सिस्टम लैगिंग और हैंगिंग प्रॉब्लम। ये दोस्तों सबसे ज्यादा और कॉमन प्रॉब्लम है Realme Oppo डिवाइस में। सिस्टम बहुत ही ज्यादा लैग होता है, बहुत ही ज्यादा हैंग होता है। दोस्तों अगर आपका डिवाइस थोड़ा पुराना हो गया तो ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही ज्यादा होता है। तो आप भी अगर आपका डिवाइस में लैगिंग या फिर हैंगिंग प्रॉब्लम हो रहा है उसको आप फिक्स कर सकते हो बहुत ही आसानी से अपने आप। मैं आपको ओनली 3 ऐसे हिडन सेटिंग बताऊंगा जिसका थ्रू आपका डिवाइस में हैंगिंग या फिर लैगिंग प्रॉब्लम बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। इसलिए गाइस आप वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। तो गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन गाइस वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप सभी ने बहुत ही ज्यादा कॉमेंट करते जो मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो गाइस मेरा नाम है मनोज चौधरी, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। और आप भी अगर मेरे बारे में आप जानना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ब्लॉग चैनल का लिंक है, आप पे जाके चैनल को विजिट करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं जहाँ पे रहता हूँ यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत कुछ प्लेस है, तो आप ब्लॉग चैनल में जाके विजिट करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। बहुत सारे इंटरेस्टिंग ब्लॉग आपको उस चैनल में मिल जाएगा। मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ब्लॉग चैनल का लिंक दे रहा हूँ, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो द बॉन्ग सर्कल, तो यूट्यूब में सबसे पहला जो चैनल मिल जाएगा वो मेरा ही चैनल है, आप जाके सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस चलते हैं आज की वीडियो के तरफ। दोस्तों इस वीडियो में आपको जो भी सेटिंग में बताने वाला हूं इससे आपका डिवाइस में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपका डिवाइस में फोटो वीडियो डॉक्यूमेंट्स कुछ भी डाटा डिलीट नहीं होगा, तो आप टेंशन मत लेना, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपका डिवाइस में। तो गाइस आप ध्यान से देखना और वीडियो को एंड तक देखना, एक भी पार्ट आप मिस मत करना, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो गाइस इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक रियलमी या फिर एक ओप्पो का डिवाइस होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका डिवाइस का जो मेन सेटिंग है आपको उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद तो फिलहाल मैं यहाँ पे लाइट मोड को इनेबल कर लेता हूँ, डार्क मोड में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो उसके बाद आपको बिल्कुल यहाँ पे लास्ट में आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे आपका डिवाइस में एप्स या फिर एप्स मैनेजमेंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आप एप्स ऑप्शन में क्लिक करना, क्लिक करने के बाद ऊपर में देखिए आपको एप मैनेजमेंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो जस्ट आपको एप मैनेजमेंट ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका डिवाइस में जो भी एप्स है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली देखिए गाइस यहाँ पे आपको 3 डॉट मिल जाएगा, जस्ट आपको 3 डॉट ऑप्शन में क्लिक करना है, शो सिस्टम में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर सर्च बार एक देखने को मिल जाएगा, तो जस्ट आपको सर्च बार ऑप्शन में सिस्टम लॉन्चर आपको जस्ट सर्च कर लेना। तो गाइस फिलहाल देखिए मैं भी यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ सिस्टम लॉन्चर। तो गाइस यहाँ पे देखिए सिस्टम लॉन्चर मेरा डिवाइस में आ चुका है। तो सिंपली आपको सिस्टम लॉन्चर के ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस तरह एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे गाइस देखिए आपको स्टोरेज यूजेस का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जस्ट आप स्टोरेज यूजेस ऑप्शन में क्लिक करना। तो गाइस अगर आपके पास Realme UI 2.0, Realme UI 1.0, ColorOS 11, ColorOS 12 या फिर Realme UI 3.0 इंस्टॉल है तो सभी का सेटिंग सेम टू सेम होता है और सभी UI वर्जन में 100% वर्किंग फुल है। आपके पास एक Realme या फिर एक Oppo का डिवाइस होना चाहिए, जो भी UI है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सिंपली आप स्टोरेज यूजेस ऑप्शन में क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा क्लियर डाटा। तो सिंपली आपको क्लियर डाटा ऑप्शन में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैंसिल ओके, जस्ट आपको ओके ऑप्शन में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका सिस्टम लॉन्चर का डाटा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सिंपली आपको बैक आ जाना है। दोस्तों आप अगर सिस्टम लॉन्चर के मैनुअली तरीके से अपडेट किया तो यहाँ पे आपको अनइंस्टॉल अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा। मैंने मेरा सिस्टम लॉन्चर को कभी भी अपडेट नहीं करता हूँ। सिस्टम लॉन्चर अगर आप अपडेट करते हो तो आपका डिवाइस में लैगिंग इशू 110% मिलेगा। तो जो भी यूट्यूबर अगर बोलता है सिस्टम लॉन्चर को अपडेट करना तो आप सिस्टम लॉन्चर का अपडेट मत करना, इसमें आपका डिवाइस में लैगिंग या फिर हैंगिंग प्रॉब्लम जरूर मिलेगा। मैं कभी भी सिस्टम लॉन्चर को अपडेट नहीं करता हूं मेरा डिवाइस में। तो सिंपली आपको यहाँ पे अपडेट अनइंस्टॉल अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा, अपडेट ऑप्शन में क्लिक कर देना, आपका डिवाइस में जो सिस्टम लॉन्चर है वो अपडेट अनइंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखिए आपको फोर्स स्टॉप का एक ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आप फोर्स स्टॉप ऑप्शन में क्लिक कर देना और सिस्टम लॉन्चर को फोर्स को आपको स्टॉप कर देना है। फोर्स स्टॉप करने
के बाद आपको जस्ट होम पेज में आ जाना है दोस्तों। उसके बाद सिंपली आपका डिवाइस में आपको फिर से मेन सेटिंग को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपको लास्ट में आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सिस्टम सेटिंग का, कुछ इसी तरह सिस्टम सेटिंग का। जस्ट आपको सिस्टम सेटिंग ऑप्शन में क्लिक करना। अगर आपके पास रियलमी वाई 2.0 या फिर रियलमी वाई 1.0 या फिर कलरवाइज 11 है तो यहाँ पे आपको एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन रियलमी वाई 3.0 कलरवाइज 12 में आपको सिस्टम सेटिंग मिलता है। तो सिंपली आप सिस्टम सेटिंग ऑप्शन में क्लिक कर देना, आपको बिल्कुल लास्ट में आना होगा। यहाँ पे आपको और एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा बैकअप एंड रीसेट, आपको जस्ट बैकअप एंड रीसेट ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको रीसेट फोन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जस्ट आपको रीसेट फोन ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस देखिए यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल जाएगा, रीसेट नेटवर्क सेटिंग, रीसेट ऑल सेटिंग और इरेज ऑल डाटा। तो सिंपली आपको बिल्कुल मिडिल में जो ऑप्शन है ना रीसेट ऑल सेटिंग, जस्ट आपको रीसेट ऑल सेटिंग ऑप्शन में क्लिक कर देना। आप भूल से भी इरेज ऑल डाटा ऑप्शन में क्लिक मत करना, आपको सिंपली रीसेट ऑल सेटिंग ए मिडिल में जो ऑप्शन है ना इस मिडिल वाला ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। इसको करने के बाद आपका डिवाइस में कुछ भी डिलीट नहीं होगा, कुछ भी फोटो डिलीट नहीं होगा, कुछ भी डाटा लॉस नहीं होगा, आप टेंशन मत लेना। उसके बाद आपका डिवाइस में जो भी पैटर्न वगैरह है उसको आपको डाल देना है। तो सिंपली मेरा डिवाइस में जो पैटर्न है उसको मैं डाल चुका हूं। डालने के बाद यहाँ पे देखिए रीसेट ऑल सेटिंग का ऑप्शन आएगा। इसको करने के बाद आपका डिवाइस में जो भी सेटिंग है ओनली फॉर ओ रीसेट होगा। शायद आपको पता होगा, बहुत सारे यूजर को पता नहीं रहता है। तो सिंपली आपको रीसेट ऑल सेटिंग ऑप्शन में क्लिक कर देना है। इसी तरह आपको दो बार पॉपअप आएगा, जस्ट आपको दो बार इसको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद आपका डिवाइस में जो भी सेटिंग है वो धीरे धीरे यहाँ पे रीसेट हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो गाइस यहाँ पे देखिए रीसेट हो रहा है सेटिंग, तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। दोस्तों आप पता है इस वीडियो का मेन पार्ट मतलब मेन सेटिंग, इसके लिए सिंपली आपका डिवाइस में प्ले स्टोर को आपको ओपन करना होगा। तो आप आपको ऊपर सर्च बार मिल जाएगा, जस्ट आपको ऊपर सर्च बार में सिस्टम वेब व्यू को लिखना होगा। तो गाइस कुछ इस तरह आपको सिस्टम वेब व्यू लिखना होगा। लिखने के बाद आपको ऊपर में एक ऐप देखने को मिल जाएगा, ये जो एप्लीकेशन है ये ऑलरेडी आपका डिवाइस में इंस्टॉल रहेगा। तो सिंपली ये जो एप्लीकेशन है ना इसको आपको जस्ट यहाँ पे अपडेट कर लेना है। तो मेरा डिवाइस में देखिए ऑलरेडी अपडेट है, यहाँ पे देखिए अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। तो गाइस देखिए ये जो एप्लीकेशन है ये ज्यादा से टाइम अपडेट नहीं होता है। तो अगर आपका डिवाइस में ये जो एप्लीकेशन अपडेट नहीं हो रहा है तो आप सिंपली प्ले स्टोर एप्लीकेशन का डाटा को क्लियर करना और फोर्स को स्टॉप कर देना, फिर जाके आपका डिवाइस में जो भी एप्लीकेशन है आप प्ले स्टोर के सबको एक बार में अपडेट कर लेना। उसके बाद आपका डिवाइस में जो सिस्टम और भी एप्लीकेशन है बहुत ही आसानी से अपडेट हो जाएगा। तो सिंपली आप इसको अपडेट कर लेना। अपडेट करने के बाद पावर बटन को आप लॉन्ग प्रेस करना। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको रिस्टार्ट एक बार कर लेना है आपका डिवाइस को। तो गाइस देखिए मेरा डिवाइस भी यहाँ पे रिस्टार्ट हो रहा है, आपको जस्ट एक बार वेट कर लेना है। मेरा डिवाइस रिबूट होके आ चुका है, रिस्टार्ट होके आ चुका है। तो जो भी पैटर्न वगैरह है मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। तो डालने के बाद गाइस देखिए मेरा डिवाइस में जो लैगिंग या फिर जो हैंगिंग प्रॉब्लम था वो यहाँ पे फिक्स हो चुका है। डिवाइस बहुत ही स्मूथली यहाँ पे रन हो रहा है। तो गाइस अगर आपका डिवाइस में भी लैगिंग या फिर हैंगिंग इशू हो रहा है आपका रियलमी या फिर ओप्पो का डिवाइस में, तो मैं इस वीडियो में जितने सारे प्रोसेस या फिर जितने सारे ट्रिक्स आपको बोला हूँ आप उस आपका डिवाइस में अप्लाई करना, आपका डिवाइस में लैगिंग या फिर हैंगिंग इशू सॉल्व हो जाएगा। तो यार आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपके पास रियलमी या फिर ओप्पो का कौन सा डिवाइस है। तो यार आज का वीडियो इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आता तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके फ्रेंड के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर उसका डिवाइस में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका डिवाइस का प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यार मिलते हैं और इतने इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, जय हिंद।